जय हिंद दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए इंफ्रेटिव अकेडमी की तरफ से। यह ज्योग्राफी की श्रृंखला है जिसमें आज हमारा यह अगला है, जिसमें हमें ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी का हमें एक शॉर्ट तरीका देखना है कि किस तरह से हम ब्रह्मांड के बारे में देख सकते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल और उत्तरी, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ जैसे कि नौ बोरी सौ स्टार, याद करने का तरीका है नौ बोरी सौ स्टार। नौ का मतलब होता है नॉर्थ पोल, सौ का मतलब होता है कि साउथ पोल, उत्तरी दक्षिण ध्रुव। आप भी जानते हैं कि जब जो पृथ्वी होती है, अगर तरीका है आपको पता है कि जो पृथ्वी होती है, या पृथ्वी में ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं, और इसमें बीच वाले को इक्वेटर कहते हैं, ऊपर वाले को अगर हम बात कर सकते हैं तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। याद देख लीजिएगा, यह 23.5 डिग्री पे होता है, यह भी 23.5 डिग्री पे, 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल की बात कहते हैं, उत्तरी ध्रुव यह 66.5 डिग्री पर होता है, और यह यहाँ पे आप देखते हैं कि 6 महीना ऊपर में और 6 महीना नीचे में रात और दिन का फासला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद इसमें क्या कहता है। नौ यानी बोरी, इसमें बोरियालिस, ऑरा इसमें यानी ऑरा बोरियालिस, इसमें स्टार ऑस्ट्रेलियस यानी ऑरा अरोरा और ऑस्ट्रेलियस। उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरा बोरियोलिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, जिसमें हमने देखा दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर और सौर ज्वाला को क्या कहेंगे, यहाँ ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, और उत्तरी ध्रुव पर हम इसको बोरियोलिस कहेंगे। याद कर ग्रह और उसके खोजकर्ता के बाद में हम देखते हैं कि ग्रहों की खोजकर्ता की कैपलर साहब थे। कप याद करने का, कप ग्रह के ऊपर सौर, कप ग्रह के ऊपर सौर, कप यानी कैपलर यानी ग्रह, ग्रहों के खोजकर्ता थे, और के ऊपर मतलब कॉपरनिकस सौर सौर मंडल की खोजकर्ता इनके द्वारा की गई। सूर्य की ओर से ग्रहों का क्रम यानी वशम और वत्सम, जिसमें हम देखते हैं कि बुध बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। ऐसे भी अगर आप बुध शुक्र से स्टार्ट कीजिएगा, बुध बुध शुक्र और बीच वाले थर्ड नंबर को पृथ्वी कर दीजिएगा, उसके बाद फिर मंगल से स्टार्ट कीजिएगा, मंगल कीजिएगा, उसके बाद बृहस्पति कीजिएगा, शनि कीजिएगा, और उसके बाद आप यूरेनस और नेपच्यून कर लीजिएगा। यह भी एक तरीका है इसको याद करने का। उसी तरह से एक और तरीका इसको याद करने का है, जिसको माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स इन प्लेनेट, इसको आप कर सकते हैं। परंपरागत ग्रहों का क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण, वही है जो अभी हमने देखा। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, यह एक आंतरिक जो हमने देखा था कि यह जो आप क्षेत्र देखते हैं इसके अंदर वाले को आंतरिक बोलते हैं और इसके बाहरी वाले को बाह्य होते हैं, और यह इसलिए बोलते हैं कि यह पृथ्वी से इनकी दूरी के हिसाब से हम इनको देखते हैं। तो उसी तरह से यह क्या है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह यानी वशम, जो हमने बुध शुक्र वही है, याद कर लीजिएगा बुध है शुक्र है, बुध के बाद एक दिन बीच में गैप कीजिएगा, बिक का बुध है बिफे छोड़ दीजिएगा, शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी आ गया, फिर मंगल आ गया, या आंतरिक हो गया, बाहर वाले में बृहस्पति कर दिए, शनि कर दिए, बृहस्पति के बाद शुक्रवार को छोड़ दीजिए, शनि कर दीजिए, बृहस्पति के बाद शुक्रवार को छोड़ दीजिए, शनि कर दीजिए, और फिर यूरेनस और आपको नेपच्यून हो गया। इसी तरह से देख सकते हैं, जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक है वह सूर्य की परिक्रमा उतने कम समय में कर लेती है, और जो जितना दूर है उतना अधिक समय लगाती है। यह ग्रहों के दूरी के हिसाब से है, जिसमें मरकरी को बुध कहते हैं, वेनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को वन कहते हैं। यह तरीका याद करने का है, आप इसको कर सकते हैं, और अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बरकरार रहिए। जय हिंद, जय भारत।